नमस्कार और आप देखें पल पल। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव है। महाराष्ट्र के साथ साथ हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर भी इस समय चुनाव हो रहे हैं। इसके लिए 19,578 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। हरियाणा में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, जबकि इनेलो और जेजेपी भी टक्कर में है। हरियाणा में सुबह 10 बजे तक 9% फीसदी मतदान हो चुके थे। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने बहुत जल्दी मतदान किया। सुबह सुबह ज़्यादातर महिलाएं पहुंची। कुछ गांवों के अंदर हमने कवरेज की, जिसमें गांव बकरियां वाली, जमाल, गुड़ियाखेड़ा, रंगड़ी और धिकतानिया तथा बेगू शामिल हैं। इनमें सुबह सुबह मतदान करने वाली महिलाओं की संख्या अधिक है पुरुषों के मुकाबले। महिलाओं ने इस बार काफ़ी रुचि दिखाई। सुबह 7 बजे ही लंबी कतारें वहाँ पर लग चुकी थी। कई गांव के अंदर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है, जहां पर सेंसिटिव एरिया है। अभी तक चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। सही ढंग से चुनाव संपन्न करवाने के लिए पोलिंग बूथों पर कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई थी। पोलिंग बूथ के अलावा जो अलग अलग पार्टियों के बूथ बने हुए थे, वो पोलिंग बूथ से 200 मीटर के दायरे से दूर किए गए। यानी जो मतदान केंद्र बनाया गया था, वहाँ पर कुछ पार्टियों ने अपने स्तर पर सहायता बूथ बना रखे थे, जिनको पुलिस ने वहां जाकर के हटाया। पुलिस ने कहा कि कानून व्यवस्था किसी भी रूप में नहीं बिगड़ने दी जाएगी। अगर बात करें सिरसा में, तो जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला पोलिंग के लिए ट्रैक्टर पर पहुंचे, तो वहीं अशोक तंवर ने भी अपने मतदान का इस्तेमाल किया। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी अपने मत का प्रयोग किया, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी साइकिल लेकर के मतदान करने पहुंचे। वे पहले ट्रेन से पहुंचे थे। वहीं कांग्रेस नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मतदान के लिए पहुंचे। हुड्डा ने रोहतक पहुंचकर वोट किया। इसके अलावा पहलवान और ओलंपियन योगेश्वर दत्त ने भी अपना मत का इस्तेमाल किया। योगेश्वर दत्त ने सोनीपत में अपना वोट डाला। योगेश्वर दत्त इस समय खुद चुनाव लड़ रहे हैं। उनको बीजेपी ने बड़ौदा सीट पर टिकट दिया है। आपको बता दें कि एक ऐसी सीट है जहाँ पर बीजेपी कभी नहीं जीती। इसके अलावा टिकटॉक स्टार और हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सोनाली फोगाट ने भी अपने मतदान का इस्तेमाल किया। फोगाट के सामने कांग्रेस के टिकट पर कुलदीप बिश्नोई चुनाव लड़ने हैं। इसके अलावा हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी मतदान किया। उन्होंने हिसार के यशोदा पब्लिक स्कूल में बने पोलिंग बूथ पर अपने मत का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि राज्य में प्रतिष्ठा की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा इंडियन नेशनल लोकदल और नई नवेली जननायक जनता पार्टी के लिए भी है। हरियाणा में हार और जीत के कई पैमाने परखे जाएंगे। इसके अलावा पीएम मोदी ने भी अपने ट्वीट में कहा है कि और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने मतदान के लिए अपील भी की है। उन्होंने लिखा है कि आज मतदान का दिन है। सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि वे अपने वोट का इस्तेमाल करें, लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदार बने। इसके अलावा बीच में एक खबर और आ रही है कि गुरुग्राम के अंतर्गत आने वाले बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में बूथ नंबर 286 पर 1 घंटे तक वोटिंग रुकी रही। इसके अलावा 303 पर 25 मिनट बाद वोटिंग शुरू हुई। इन दोनों बूथों में ईवीएम में खराबी की शिकायत आई थी। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। तस्वीर सर, आज वो एक मतदाता भी है और प्रत्याशी भी। चुनाव कैसा? तो मैम क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि तरक्की की जीत होगी, विकास की जीत होगी, गुंडा राज का खात्मा होगा, अपराध का खात्मा होगा और आप ये पाएंगे कि प्रगति और विकास की ओर न केवल हरियाणा पर विशेष तौर से कैथल बढ़ता जाएगा। देखिए ये अहंकार से प्रेरित है। मुझे लगता है कि अहंकार जो है वो हर व्यक्ति का टूट।
क्योंकि ये पूरे संसदीय क्षेत्र के अंदर ना भाजपा की सीट होगी कोई और ना कोई कांग्रेस की सीट। तो ये है अब जिन को अपने समर्थन उनके लिए क्या कहते हैं? देखिए, हमने तो जो है अच्छे उम्मीदवारों की बात की थी और मोटे तौर पे अगर पार्टी की बात करें, क्योंकि संघर्षशील अच्छे जो साथी हैं किसी भी पार्टी के रहे, उनकी जिस तरीके से अनदेखी हुई, जसपा ने उन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा और इसलिए बहुत बढ़िया चुनाव वो लड़ रहे हैं। सारे समीकरण पिछले 8-10 दिन के अंदर बिल्कुल बदल गए हैं प्रदेश के। कहते हैं भाई, नाश होता तो देखा होगा लेकिन इतने कम समय में सत्यानाश होता हुआ नहीं देखा हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी का सत्यानाश होगा। कांग्रेस ऐसी स्थिति में क्यों चली गई है? तो अपने कारणों से चली गई है। अपने अंदर झांकेंगे तो मैं समझता हूँ कि सब अपने कारण पता चल जाएंगे कि क्या क्या कारण रहे और उसका नतीजा क्या रहा। ठीक है। हमने तो पहले ही कहा कि ये राष्ट्रीय निर्माण की राष्ट्रीय मुहिम है। जो भी पूरे देश में अच्छा नेतृत्व होगा, जो देश को प्रदेश को आगे लेकर के जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देगा, गरीब किसान मजदूर का राज बनाने में वो सहयोग करेगा, उन सब का इसके बाद मैं समझता हूँ कि आगे की लड़ाई 24 तक ये लड़ाई है। आज तो जो हम लोगों ने सबने मेहनत करी थी और जो हमारा रोल हो सकता था हमारे साथियों का, वो एक संतुलन बनाने के लिए अहम रोल था और मैं समझता हूँ कि जिस साथी को हमारे साथियों ने सपोर्ट किया, वो उनको किया जो संघर्ष कर रहे थे, किया भी उन्होंने जो संघर्ष, जिन्होंने पिछले 5 साल विपक्ष की भूमिका निभाई। इसलिए इन मुद्दों में हरियाणा के मतदाता मत कर रहा है।